Yeah. वो ये देखिए, और इसके अंदर वो भी आएगा आपको नीचे से दागों की भी, है ना मजेगा। वो इसके अंदर वो किस तरह के धागे से बन रही हैं ये देखें, बड़े। वेलकम एवरीवन, टुडे आई एम मेकिंग स्पेनिश चिकन चीज ऑमलेट, इट इज सो ये मैं डिलीशियस। आपको कटिंग दिखाता हूँ, अपनी कटिंग स्किल्स के इस तरीके से इसकी स्पीड में चिकन ऑनियन ऐसे, और इस तरीके से रखेंगे तो आपके हाथ पे ओनियन कटा के। अब हमने पोटैटो को काटना है, इस तरीके से हमने इसके स्लाइस बनाने हैं। दिस पोटैटो इज लार्ज दिस, ओके। और सेम इसी पोटैटो को भी हमने इसी तरीके से स्लाइस को ऐसे करना है। हमारा नेक्स्ट पोटैटो है, इसको भी इसी तरीके से, ये देखिए कितनी इजी कटिंग है। नाइफ को इस तरीके से रखेंगे तो आपके हाथ पे फिर नाइफ नहीं लगेगी। तो ऐसे हमने ब्रीफली स्लाइस काट के इस तरीके से, ये हमने ऑयल ले लिया है ऑमलेट बनाने के लिए, इतना ऑयल हमें काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इस ऑयल के अंदर आलू को और ये जो हमारे पास प्याज काटा है इसको हम डाल देते हैं इस तरह फ्राई पैन में। तो अब हम इसको इसके अंदर फ्राई करते हैं ताकि आलू और ओनियन जो ये बन गया है, और हम इसको अब प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें कितना प्यारा और मज़े का बन गया है। कितना प्यारा और इनका बन गया ऐसे। पोटैटो में हमने ओनियन ओनियन और पोटैटो, अब इसमें हम डालेंगे दो अंडे, वन एग, टू एग, एंड हियर इज द सॉल्ट, दिस इज द वाइट पेपर, दिस इज द वाइट पेपर। नाउ आई मिक्स इट, वो अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे बीट विद पोटैटो एंड ओनियन एग। अब अंडे को हमने अच्छी तरीके से बीट करना है, इस तरीके हम फेंट लेंगे मिक्स करके, और ये बड़ा मज़ेदार डिलीशियस ऑमलेट है। इसको आप बगैर पराठे के खा सकते हैं, पराठे के बगैर, रोटी के बगैर, क्योंकि इसके अंदर पोटैटो बहुत ज़्यादा मकदार में है। तो एक इसमें ऑयल में ये चिकन आ जाएगा हमारा ऐसे, ये मैंने लगा दी। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करनी है, तो फिर मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि ये कैसा आपको लगा। अब हमने अब गर्म में इसके अंदर हमने इसको डाल देना है, ये जो हमने तैयार करके रखा है आलूओं का, ये इसमें हमने डाल के, अब हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम करेंगे प्रेस ऐसे, ये ताकि ये पूरी टिक्की जो है ऑमलेट के साथ साथ बन जाए। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक भी कितनी प्यारी लग रही है, और ये क्विक सर्विस है, बहुत जल्द तैयार हो जाता है, ये देखें है ना बड़ा मज़े का काम। तो इसको देखने के लिए हम ये बिल्कुल बिल्कुल हमारा ये नीचे से पक चुका हुआ प्लेट, दोनों प्लेट को ऐसे लगाया, ठीक हो गया। इसी टिक्की को हम वापस इस डिनर प्लेट के अंदर रख देंगे, तो ये देखें
अब हमने आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है लाइट, तो यहाँ इसको तेज करेंगे, लाइट फ्लेम कर दिया हमने बिल्कुल लाइट फ्लेम। तो इसके ऊपर जो है हमने इसको चीज़ से ऐसे कर देना है, चीज़ क्रश करके इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने चीज़ को क्रश करना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे हम बिल्कुल लाइट कर दी है। और ये सर मैं क्रश कर रहा हूँ, कितना ये खूबसूरत काम बन गया है चीज़ का। इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और हम करते हैं ऐसे, ये जो चीज़ें रह गई उस पर भी लगाएंगे सड़कों पे। ये देखे इतना मज़े का काम बन गया है। और अब हमारा ऑमलेट जो है ये तैयार के करीब पहुंचने वाला ही है। तो हमने इसको ये देखिए, इसके ऊपर चिकन भी आ गई चीज़, अभी ये मेल्ट हो जाएगी। लाइट आंच मैंने रखी है हल्की फ्लेम पे। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो फिर कमेंट में मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है, तो ताकि फिर मैं नेक्स्ट इसी तरह की आपको जो मज़ीद और रेसिपीज़ है वो भी आपको फिर बना कर दूँ। इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ है मेरे पास, क्वालिटीज़ हैं जो आप पोटैटो को आप मुख्तलिफ तरीके से पीछों से इंजॉय कर सकते हैं। तो अब ये देखें हमारी चीज़ भी मेल्ट हो गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हमें फ्लेम को बंद कर देना चाहिए। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए क्या उसकी लुक कितनी प्यारी आई है, ऐसे ही। तो अब हमने करना क्या, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया यहाँ पे, है ना प्यारा, कितना कलर और खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर कटिंग करके मैं पीस आपको उठाकर दिखाता हूँ इसमें। अब ये देखें हमने इसकी चीज़ के साथ ऐसे कटिंग करेंगे, ये वाओ। तो अब ये देखे मैं इसको यहाँ से जब उठाऊंगा तो इसमें आप देखेंगे कि ये देखे, और इसके अंदर वो भी आएगा आपको नीचे से दागों की भी, है ना मज़ेगा, वाओ। इसके अंदर वो किस तरह के धागे से बन रही हैं ये देखें, बड़े मज़े के ये कर ले, ये देखें नया। तो अब ये किस तरीके से इसके ये बन रही हैं लेस, ये इसके अंदर लेस भी आ रही है ऐसे। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।